सो न्यूट्रिशन इन सम इंसेक्ट the houseflies, butterflies and mosquitoes suck up their food. तो so, नॉर्मली जो हम लोग का butterfly, houseflies and mosquitoes होता है उनका माउथ नहीं होता है जैसे हम लोग का माउथ होता है इन लोग का माउथ नहीं होता है इनका प्रोबोसिस होता है प्रोबोसिस क्या है ना एक लॉन्ग एक ट्यूब सा रहता है उनका माउथ के पास उन लोग क्या करते हैं बस उसे सक करते हैं उन लोग खा नहीं सकते उनका वो ट्यूब से उन लोग क्या करते हैं सक करते हैं कोई भी खाना जैसे कि हम लोग का हाउस फ्लाई है वो क्या करता है ना लिक्विड फूड जो है उसे सिर्फ वो सक करता है नेक्स्ट जो हम लोग का बटरफ्लाई है वो भी क्या करता है ना जितने भी फ्लावर है फ्लावर नेक्टर को क्या करता है ना सक करता है मस्कीटो भी क्या करता है वो भी पहले हम लोग का अगर हम लोग का बॉडी के ऊपर बैठता है फिर वो हम लोग का स्किन के ऊपर छोटा सा छेद करता है छेद करने के बाद फिर वो अपना जो लॉन्ग ट्यूब जो है उसका उसे क्या करता है फिर हम लोग का धीरे धीरे वो स्किन के अंदर डालता है डालने के बाद वो हम लोग का बॉडी के अंदर एक सेलेवा इंजेक्ट करता है इंजेक्ट करने के बाद वो हम लोग का खून चूसना शुरू कर देता है आफ्टर दैट स्पाइडर स्पाइडर क्या करता है ना वो पहले उसका स्टिकी वेब बनाता है स्टेप बुनने के बाद जैसे वहां पर जो वो वेब बनाता है वो वेब में क्या होता है ना कोई भी एक अगर मच्छर या कोई भी हाउस फ्लाई जब अटक जाते हैं वो वेब में फिर वो धीरे धीरे क्या करते हैं उनके ऊपर एक डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ देता है फिर वो धीरे धीरे वही इंसेक्ट को खाना शुरू कर देता है सो आफ्टर दैट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स तो ह्यूमन बींग कैसे खाते हैं ना ह्यूमन बींग्स हम क्या करते हैं ना हम लोग का जो न्यूट्रिशन होता है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का होता है तो ये हम लोग का कहा से स्टार्ट होता है द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म्ड इन साइड अ लॉन्ग ट्यूब कॉल द गट और एलिमेंट्री कैनल तो हम लोग का ये जो न्यूट्रिशन जो होता है ये लॉन्ग ट्यूब उसे एलिमेंट्री कैनल कहा जाता है सो so, जो पार्ट्स ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम क्या है ना सबसे पहले आता है हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ देन फूड पाइप स्टोमक इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम एंड एनस उसी के साथ जो लीवर क्या करता है ना लीवर सेलेवरी ग्लैंड्स एंड पेनक्रियाज आर दी ग्लैंड्स दैट सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस तो ग्लैंड एंड पेनक्रियास क्या करते हैं ना एक तरह का डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करते हैं जिससे क्या होता है ना हम लोग का कॉम्प्लेक्स फूड सिंप्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है लाइक हम लोग का माउथ में क्या है ना तीन तरह का हम लोग का यहां पर सेलेवेरिक ग्लान प्रेजेंट है सो so, उसी तरह हम लोग का बॉडी के अंदर और भी जैसे लीवर पेनक्रियास इन लोग भी एक तरह का लिक्विड जैसे हम लोग का मुंह के अंदर जो थूक जमा हो जाता है ये भी एक तरह का

सो so, सबसे पहले माउथ माउथ में हम हमारा जो माउथ है दी माउथ कंटेंस दी टंग टीथ एंड सेलेवेरी ग्लॉड्स तो हम लोग का माउथ में क्या है टंग है टीथ है एंड सलेवेरी ग्लॉन्ड्स है सो so, हम लोग का माउथ में तीन अलग अलग सेलेवेरी ग्लॉन्ड्स है तो हम लोग पहले फूड को क्या करते हैं अच्छे से च्यू करते हैं च्यू करने के बाद उसे डाउन करते हैं ब्रेक डाउन करने के बाद हम उसे क्या करते हैं ना निकल लेते हैं सो so, जो हम लोग का टीथ है वो क्या है ना हार्डेस्ट पार्ट है हम लोग का बॉडी में वो हार्डेस्ट पार्ट है उसे हम क्या करते हैं ना हम लोग का जो खाना है उसे क्रश करने के लिए ग्राइंड करने के लिए हम यूज करते हैं सो so, हम लोग का माउथ में चार इंसेजर है नेक्स्ट टू कैनाइन से एंड प्रीमोलर फोर प्रीमोलर से सिक्स मोलर से सो हम लोग का टोटल जो टिथ है वो थर्टी टू टिथ सो एक जॉ में हम लोग का कितना है ना टोटल सिक्सटीन टिथ है सो so, सामने पहले अगर हम एक जॉ के बारे में बात कर रहे हैं अगर सिर्फ हम नीचे का जॉ के बारे में बात करें तो नीचे हम लोग का क्या है पहले चार इंसिसर से जो फ्रंट स्ट्रेट जो चार टीथ है दैट इज इंसीसर नेक्स्ट कैनाइन जो थोड़ा शार्प होके है दो साइड है हम लोग का कैनाइंस नेक्स्ट इज प्रीमोलर फिर हम लोग का चार प्रीमोलर्स है एंड छे मोलर टीथ है ओके okay. सो नेक्स्ट टंग टंग क्या है ना ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हम लोग का माउथ में प्रेजेंट है तो टंग का, का काम क्या है ना ये हेल्प करता है हमें जो हमारा फूड है फूड को सलाइवा और फूड को मिक्स करने के लिए टंग हेल्प करता है हमारा फूड निगलने के लिए भी सॉलो करने के लिए भी ये टंग ही हमें हेल्प करता है उसी के साथ जो हम बात कर रहे हैं ये बात करने के लिए भी ये टंग हेल्प करता है एंड टंग हमें क्या हेल्प करता है ना टंग हमें टेस्ट का भी प्रेजेंस बताता है कि जो हमारा फूड है वो स्वीट है या बीटर है शोर है या सॉल्टी है वो भी हमें कैसे पता चलता है ना हम लोग का जो टंग्स है टंग्स में टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है तो उस टेस्ट बर्ड से हमें पता चलता है कि कोई भी खाना का टेस्ट क्या है या तो वो स्वीट है या बीटर है या है या सॉल्टी है नेक्स्ट ऑइसो और फूड पाइप फूड पाइप इज अरोक्ट माउथ कैविटी टू स्टोम तो हम लोग का फूड पाइप क्या है ना ये हम लोग का माउथ से स्टार्ट होता है कहा जाकर रहता है ना हमारा स्टोम तक ये रहता है दिस इज आवर फूड पाइप ये हमारा स्टार्ट होता है माउथ से एंड होता है स्टोमक में सो so, फूड जो हम लोग का पुश होता है हम लोग जो खाना खाते हैं वो हम लोग गले से यहाँ से जो जाता है इसे कहा जाता है ये एक वेव फॉर्मेट में वो जाता है ओके okay. जैसे एक पूरा नॉर्मल एक जो वेब आता है तो वेब फॉर्मेट में वो क्या होता है हम लोग का खाना अंदर जाता है उसे कहा जाता है मूवमेंट मूवमेंट ओके तो दिस टेक्स प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनल टू पुश फूड फॉरवर्ड तो ये क्या करते हैं हम निकलते हैं जैसे ही खाना तो वो एक वेब फॉर्मेट में वो हमारा बॉडी के अंदर जाता है ओके okay. थ्रू आवर एलिमेंट्री कैनल तो एलिमेंट्री कैनल क्या के है ये जो फूड पाइप है हम लोग का माउथ से लेकर पूरा हम लोग का स्टोमक तक जो फूड पाए हुए दैट इज आवर एलिमेंटरी कैनल नेक्स्ट इज स्टोमक तो स्टोमक एक जे शेप्ड मस्कुलर बैग है इन एन एवरेज एडल्ट इट कैन होल्ड टू टू थ्री लीटर्स ऑफ फूड एट ए टाइम तो एक एवरेज एडल्ट वो स्टोमक कितना फूड वो स्टोर करके रख सकता है टू टू थ्री लीटर ऑफ फूड एट ए टाइम वो क्या कर सकता है ना स्टोर करके रख सकता है सो so, हम लोग का स्टोमक के अंदर वो क्या करता है कुछ हम लोग का जूसेस वो सीक्रेट करता है लाइक म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस वो क्रिएट करता है जिससे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूसेस ओके सो इट कंटेन एंजाइम दैट एक्ट ऑन स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिय हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन तो जैसे ही वो फूड क्या होता है ना हम लोग का स्टोमक के अंदर एंटर करता है तो एंटर करने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हम लोग का सीक्रेट होता है जो रिलीज करता है हम लोग का स्टोमक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है ना जो खाने में जो बैक्टीरिया होता है बैक्टीरिया को मार देता है एंड वो क्या करता है ना हम लोग का बाकी फूड को बैक्टीरिया को किल करने के बाद बाकी फूड को आगे भेज देता है ओके सो नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन तो स्मॉल इंटेस्टाइन ये क्या होता है ना हम लोग का स्टोमक के नीचे है ये होके है पूरा ये जो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन है ये भी एक तरह का जूसेस करता है और रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस एंड ये क्या होता है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन आने के बाद हम लोग का जितना भी खाना होता है सब डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है हम लोग का लीवर भी क्या करता है लीवर पेनक्रियाज ये भी एक ग्लैंड है जो कि हम लोग का कनेक्टेड है एलिमेंट्री कैनल के साथ कनेक्टेड है तो लीवर एक तरह का जो जूस है वो प्रोड्यूस करता है जिसे कहा जाता है बाइल जूस वो क्या करता है ना हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड स्टोर्ड इन स्मॉल बैग कॉल्ड गॉल ब्लाडर तो ये क्या करता है एक तरह का जो बाइल जूस वो सीक्रेट करता है उसे फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है एंड जो हम लोग का वो जो बाइल जहां पर स्टोर होकर रहता है छोटा सा एक बैग में उसे कहा जाता है गॉल ब्लैडर पेनक्रिया क्या होता है ना पैनक्रिया भी एक छोटा सा ग्लांड है जो कि हम लोग का स्टोमक है स्टोमक के नीचे वो रहता है वो भी एक तरह का पेनक्रेटिक जूस दैट हैज इंसुलिन वो क्या करता है ना वो भी एक तरह का जूस प्रोड्यूस करता है जिससे क्या होता है ना वो हम लोग का बॉडी का जो शुगर लेवल है उसे वो कंट्रोल में रखता है द जूस कंटेन एंजाइम दैट एक्टाज कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन एंड चेंजेसर फॉर्म तो यही सब जो जूसेस प्रोड्यूस होता है जूसेस से फिर क्या होता है जो हम लोग का खाना जो कम्पलेक्स फॉर्मेट में रहता है कम्पलेक्स से वो फूड हम लोग का सिंप्लेक्स फॉर्मेट में चेंज हो जाता है ओके नेक्स्ट इज एब्सॉर्बेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन तो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड कैसे एब्जॉर्ब होता है ना द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय स्मॉल इंटेस्टाइन तो डाइजेस्टेड फूड को कौन एब्जॉर्ब करता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज अ नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली तो जो इनर सर्फेस है तो स्मॉल जो स्मॉल इंटेस्टाइन है सो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटा छोटा हम लोग का जो फिंगर है हमारा हैंड्स में जो फिंगर है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरह का हम लोग का फिंगर के तरह क्या है ना वहां पर इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के तरह अंदर प्रेजेंट्स है तो उसे कहा जाता है विली। ओके वो हम लोग का जो विली है वो हम लोग का फिंगर के तरह देखने में है सो so, उनका काम क्या है ना उन लोग हमारा जो फूड है फूड को एब्सोर्व करते हैं सो दिस एब्जॉर्ब फूड एंड देन कैरिड बाय ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तो ये विली क्या करता है हमारा खाना को एब्सर्ब करता है एब्जॉर्ब करने के बाद वो ब्लड क्या करता है डिफरेंट पार्ट में वो लेके जाता है सो आफ्टर दैट क्या होता है ना जो फूड हम लोग का डाइजेस्टेड फूड था वो क्या करता है स्मॉल इंटेस्टाइन सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं एब्जॉर्ब करने के बाद वो जो रेस्ट फूड रहता है वो आगे बढ़ते हैं वो सब जाके पहुंच जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है ना जितना भी अनडाइाइजेस्टेड फूड रहते हैं वहां पर आकर स्टोर होते हैं फिर जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स रहते हैं फिर वो सब सॉलिड मैटर में क्या होते हैं और धीरे धीरे से हम लोग का बॉडी के बाहर से विद द हेल्प ऑफ एनस एनस से क्या होता है हमारा बॉडी से जितना भी मेटेरियल्स है अनडाइजेस्टेड फूड है वो सब हम लोग का बॉडी से